शनिवार को नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति कार्यालय पर अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए सभी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। नगर निगम के स्थायी सफाई कर्मचारियों को मुख्य मांग और रात्रिकालीन सफाई कार्य में ड्यूटी लगाए जाने के विरोध में नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति ने चेतावनी दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो 30 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति राम प्रकाश सिंह, संरक्षण कौशल कुमार शुक्ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेष नाथ पांडे, उपाध्यक्ष राम आधार दास, दीपक श्रीवास्तव, मंत्री अमृतपाल सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह ने कहा, कर्मचारियों का वेतन का महीनों से नहीं मिल रहा है, सिर्फ डॉक्टर की ताराशाही रवैये के नाते नगर निगम के पास, ऐसा नहीं हमारा सफाई करता है, वो नगर निगम के चाहे जलकल के महाप्रबंधक हो चाहे मुख्य अभियंता हो, वो हर व्यक्ति को गाली देने का काम करते हैं। सूचक शब्दों से गाली दिया, संगठन बार बार मांग पत्र देता है, बार बार लोगों की आप हमसे वार्ता करें, वो आदमी एक बार वार्ता नहीं किया, वो कार्यालय में बैठते ही नहीं, इसलिए वार्ता तो दूर की बात है। कार्यालय में उनकी तमाम चीज है, लिपिक की कमी के नाते एक लिपिक दो लिपिक है, वो भी कार्यालय में समय से नहीं बैठते हैं, तो तमाम समस्या है। उसी समस्याओं को लेकर हम लोग ये कोशिश करें कि 30 तारीख को सबसे निरीह कर्मचारी होता हमारा सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी को चुनने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। राम प्रकाश सिंह, नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति अध्यक्ष। आज 30 जुलाई नगर आयुक्त को भेजे गए नोटिस में नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारियों को मुख्य मार्गों में रात्रिकालीन सफाई कार्य में लगाए जाने के लिए जो नगर आयुक्त का वर्जन आया है उससे हमारा विरोध है। हमारी मांग यह है कि नियमित सफाई कर्मचारियों को रात्रिकालीन की कार्य न लिया जाए, उनको नेशनल हाईवे पर न लगाया जाए, महानगर की जितनी अंदरूनी मुख्य मार्ग है उस पर लगाया जाए। उसी के संबंध में आज हमारी यह बैठक हो रही है। 30 जुलाई के जो हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है उसको कैसे सफल बनाया जाए और 100% नियमित सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति हो। हमारे इस महानगर में करीब 810 नियमित सफाई कर्मचारी हैं, जिसमें 270 कर्मचारी सफाई कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों में लगाए गए हैं, 520 कर्मचारी जो है 530 कर्मचारी हमारे नियमित सफाई कर्मचारी हैं। हम उनको धरने में अपने सफल बनाने के उनको हमने आमंत्रित किया है।